एक युवक जिसकी आज शादी होने वाली है, बारात जाने वाली है, आप सोचिए कि वो कितना खुश होगा। नए वैवाहिक जीवन के सपने देख रहा होगा, आने वाले सुंदर भविष्य की कल्पना कर रहा होगा, लेकिन अब उसे खाने पड़ेंगे पुलिस के पट्टे। आखिर ये पुलिस काहे बीच में आ गई भाई? पुलिस को किसी की शादी से क्या एतराज भला? पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दूल्हे भाई साहब ही थोड़े एडवांस किस्म के हैं। कैसे? वो ऐसे कि दूल्हे भाई साहब की शादी है, शादी में आएंगे दोस्त, तो अब बस उन दोस्तों को मौज करवाने के लिए ये कर बैठे हैं चोरी। जी हाँ, दोस्तों को शादी में जी भर के शराब पिलानी है, इसके लिए इन्होंने कर डाली है चोरी। लेकिन पुलिस ने सब रंग में भंग डाल दिया, एन शादी से पहले ही उठा ले गई। और अब ये युवक गुहार लगा रहा है कि कम से कम शादी की तो छूट दे दो, पर निर्दयी पुलिस को दया ही नहीं आ रही। दरअसल 21 दिसंबर को कलिंजरा थाना क्षेत्र स्थित आबकारी से अधिकृत लाइसेंसी दुकान पर आरोपी ने उसके एक दोस्त और एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की वारदात कर दी। जांच अधिकारी निर्भय सिंह को मामले में जांच के दौरान 2400 का पाडला निवासी अनिल एवं उसके साथियों के वारदात में लिप्त होने की जानकारी मिली। अब चूंकि अनिल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं बाल अपचारी को डिटेन किया गया, लेकिन धामनिया निवासी पूंजा पुत्र रंगजी मकवाना पुलिस की पहुंच से बाहर था। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पूंजा की 22 जनवरी को शादी होने वाली है, वह घर पर हल्दी की रस्म एवं अन्य आयोजनों में शामिल हो रहा है। बिना देर लगाए कोतवाली और कलिंजरा थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे दबोच लिया। बाद में कलिंजरा थाना पुलिस आरोपी को साथ ले गई। आज उसे बागीदौरा स्थित अदालत में पेश किया जाएगा। स्थानीय आदिवासी समाज में खुशी और शादी के मौके पर शराब पिलाने का चलन है। खुद की शादी में दोस्तों को भरपूर शराब पिलाने के लिए पूंजा ने उसके दूसरे साथियों के साथ शराब चोरी कर डाली और उसने खासा स्टॉक भी जमा कर दिया ताकि बारात में जाने वाले दोस्तों को मजे करा सके। लेकिन उसके इस सपने को पुलिस ने तोड़ दिया। अब वह पुलिस से शादी में जाने के लिए छूट मांग रहा है, लेकिन पुलिस उसे कोई मौका देना नहीं चाहती। मामले में आरोपी को अदालत में पेश करने आए जांच अधिकारी SI निर्भय सिंह ने बताया कि आरोपी पूंजा ने 10वीं की पढ़ाई करते हुए बीच में छोड़ दी। घर में वह कुल 3 बहन और 2 भाई हैं। भाइयों में सबसे छोटा है, जिसके पिता खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं, वहीं माँ सौतेली है। कसम से हाय लगेगी पुलिस को ऐसी शादी से पहले उठा ले गई। लेकिन आप बताइए, क्या यहाँ पुलिस गलत है? अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारी अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।